ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो क्या फाइनली नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में जॉन सीना करने वाले हैं अपना रिटर्न? इसके अलावा WWE ने फाइन किया रोंडा राउजी को, लेकिन कैसे? साथ साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़े मैच के बारे में जो कि सेट हो चुका है अगली रॉ के एपिसोड के लिए। तो अगर आप लोग इन तीनों बातों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रोंडा राउजी से। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में देखा था कि रोंडा राउजी एकदम से पागल हो गई थी, उन्होंने सबको वहां पर बुरी तरीके से मारा, इवन वहां पर उन्होंने रेफरीज को भी मारा था। इसके चलते WWE ने पनिश कर दिया, WWE ने फाइन कर दिया रोंडा राउजी को। और जैसे कि आप लोग ये वाला आर्टिकल देख सकते हैं जो कि WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फीचर किया है, यहां पर उन्होंने लिखा है कि लास्ट वीक के एक्शन के लिए रोंडा राउजी को किया गया है फाइन। हालांकि यहां पर अमाउंट ऑफ फाइन रिवील नहीं हुआ, बट ये बात कंफर्म है कि रोंडा राउजी को यहां पर WWE की तरफ से मिल चुका है फाइन। अब ऑब्वियसली स्टोरी लाइन का ये एंगल है क्योंकि WWE ने स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि रोंडा राउजी को ऐसा करना है, ऐसी एक्ट करना है। अब इससे फायदा ये होने वाला है कि रोंडा राउजी का जो एंगर है वो शायद हमें और ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक तो अपना हील कैरेक्टर प्ले कर रही है, ऊपर से वो पहले से गुस्से में, लेकिन अब जब WWE ने फाइन कर दिया तो हो सकता है हमें उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे और नेक्स्ट शो के एपिसोड में फिर से कुछ ऐसा कमाल धमाल कर दें जो कि फिर से WWE को कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन फिलहाल रोंडा राउजी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। देखते हैं अगली रॉ के एपिसोड में इस पर रोंडा राउजी कैसे रिएक्ट करती हैं कि WWE ने कर दिया है उन्हें फाइन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी एक बहुत बड़े मैच से जो कि सेट हो चुका है अगली रॉ के एपिसोड के लिए, क्योंकि ये मैच हमें देखने को मिलेगा दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट रॉ के एपिसोड में देखा ही था, ड्रू मैकइंटायर ने अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, ड्रू मैकइंटायर ने मेन इवेंट में हराया डीन एम्ब्रोस को, और अब अगली रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस का होने वाला ड्रू मैकइंटायर से पंगा, तो ऐसे में शील्ड के निशाने पर आ चुके हैं ड्रू मैकइंटायर। तो ऐसे में देखते हैं अगली रॉ के एपिसोड में इन दोनों सुपरस्टार्स को कैसे बुक किया जाता है, क्या हमें यहाँ पर डीन एम्ब्रोस की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, क्या यहाँ पर रोमन रेंस आते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये क्योंकि नेक्स्ट शो के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर भी आने वाले हैं, तो क्या पता हो सकता है हमें कुछ यहाँ पर ऐसा एंगल बनता हुआ दिखाई दे कि ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों। बट फिलहाल इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा मैच कन्फर्म है। दोनों सुपरस्टार्स को हमने पास्ट में देखा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे मैचेस दिए हैं रॉ पर, तो देखते हैं क्या बुकिंग होती है इस मैच की, क्या यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है अदर सुपरस्टार्स की और कैसे इस मैच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारी मेन एंड फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है कर्ट एंगल से। आपको बता दूं अगली रॉ के एपिसोड में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है और वो ये कि कर्ट एंगल अपना रेसलमेनिया 35 का ओपोनेंट रिवील करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, और ये बात है कन्फर्म। तो ऐसे में यहाँ पर WWE ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली पोस्ट करी जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ कैप्शन लिखा है हु यू थिंक कर्ट एंगल्स फाइनल ओपोनेंट शुड बी। और यहाँ पर अगर बात करें सुपरस्टार्स की तो वो हैं बॉबी लेस्ली, बैरन कॉर्बन, ड्रू मैकइंटायर, समोआ जो, शेल्टन बेंजामिन एंड जॉन सीना। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं जॉन सीना का नाम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स में है कि वो फेस कर सकते हैं कर्ट एंगल को, और इस तरह से यहाँ पर WWE का जॉन सीना को फीचर करना हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जॉन सीना का अब तक रेसल में 35 को लेकर कोई भी नाम नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जॉन सीना रेसल करेंगे रेसल में 35 में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत टाइम पहले जॉन सीना ने इस बात को रिवील किया था कि वो रेसल में 35 में होंगे। तो अगर प्लान चेंज नहीं होते तो ऑब्वियसली हमें रेसल में 35 में जॉन सीना का मैच ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो इसमें हो सकता है अगली रॉ के एपिसोड में जब कर्ट एंगल अपना ओपोनेंट रिवील करने वाले हैं तो शायद हमें जॉन सीना अपीयर होते हुए दिखाई दें अपनी एक सरप्राइज एंट्री के साथ, जो कि फैंस को वहां पर बहुत ज़्यादा शॉक कर सकती है, और इस तरह से रेसलमेनिया 35 में फाइनली मैच सेट हो सकता है कर्ट एंगल वर्सेस जॉन सीना के बीच। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कर्ट एंगल सिर्फ अनाउंस करें, हमें फिलहाल जॉन सीना देखने को ना मिले, ऑब्वियसली उनका जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन एक सरप्राइज यहाँ पर देने के लिए हो सकता है खुद जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पर अपीयर हो जाए एक शो के लिए, और इस तरह से यहाँ पर रेसलमेनिया 35 के लिए कर्ट एंगल वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच सेट हो जाए। तो अगर आप लोग ऐसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप मुझे अपने थॉट्स बताना कि आपको क्या लगता है क्या होगा कर्ट एंगल के साथ आगे, और रोंडा राउजी के फाइन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।